थाना चांदपुर के जाफरपुर में सोमवार की देर शाम 4 बजे 10 वर्षीय बच्चा गांव में खेलते खेलते लापता हो गया था। परिजनों की काफी तलाशने के बाद भी बच्चा नहीं मिलने से परिजनों द्वारा पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई। रात्रि में ही SP देहात और CO सुनीता दहिया द्वारा गाँव में जाकर परिजनों से जानकारी की। आज बच्चे का शव ईख के खेत में मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मेरा नाम उमेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? लिंडरपुर। अच्छा, क्या मामला जो बच्चे की आज हत्या और गन्ने खेत में सब मिला, क्या मामला? सर, ये तो कोई इनके पापा की दुश्मनी भी नहीं है गांव में। गांव वाले को हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, सभी लोग मिलनसार से हैं। बच्चा कल लास्ट टाइम उसकी मम्मी ने 4 बजे ये घर पे गया था ये पूछने के लिए कि पापा जी कहाँ हैं। मम्मी ने कहा कि तेरे पापा नानी के घर गए, बस इतना कह के ये घर से रिटर्न हो गया, फिर से ये नहीं दिखाई दिया। आपने कोई कंप्लेन करी थी इसकी गुमशुदगी की कोई? हाँ, रात थाने में कंप्लेन दी है। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का और कितनी उम्र? बच्चे का नाम वरुण है, उम्र इसकी समथिंग 10 वर्ष के आसपास है। अच्छा, तो क्या हालात में मिली लाश इसकी, कैसे? ये जिस स्थिति में इस समय पड़ा हुआ है उसी स्थिति में हमें मिला है। अभी देखा, हम लोग तलाश कर रहे थे, सारे में रात से ही तलाश कर रहे हैं। पुलिस भी तलाश कर रही होगी? पुलिस भी साथ में हमारे तलाश कर रही है। क्या लग रहा है, क्या क्या लग रहा है इसमें, क्या चाहते हैं? लग तो सर सीधा सीधा मर्डर लग रहा है, वो तो गले पर निशान है इसके। और कहाँ कहाँ चोट है इसके? ये कनपटे पे, माथे पे चोट है, ठोड़ी पे चोट है और गले में रस्सी के फंदे का निशान है। क्या चाहते हैं आप भाई? हमें तो इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए सर। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, बारीकी से जांच की जाए।